हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रही है तो मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मम्मी ने दाल और भात बना लिया है और मैं एकदम सिंपल सा वेज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले कढ़ाई गर्म हो गया है तो मैं अभी इसमें कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। लगभग मैंने 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें डाला है 1 सूखा मिर्च और थोड़ा 5 फोरन। इसमें मैं छोटा छोटा पीस करके सीम, आलू, टमाटर और मूली एकदम बारीक काट के रखा है वो डाल दूंगी। मसाले डालेंगे। मसाले में बहुत सिंपल डालूंगी, देखिए थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया डालने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर और उसको मिला देंगे। डालेंगे थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के ढक के पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम थोड़ा पानी डाला, इसको मिलाया और इसको ढक के पकाएंगे 5 मिनट तक। और 5 मिनट में ये बनके एकदम तैयार हो जाएगी। ये सब्जी दाल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। एकदम सिंपल है, घर का एकदम खाना होगा ये। और घर का खाने से ना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम अच्छे से डाइजेस्ट भी होती है। तो ऐसा सिंपल सब्जी बना के खाने से बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो प्लीज़ आप घर में एक बार ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी इसे खोल के थोड़ा मैश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा सब्जी बनके तैयार हो चुका है। तो ये दाल के साथ या फिर पराठे के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप भी ऐसा घर में बना के एक बार ट्राई कीजिए और आपका एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी शाम हो रही है और अभी मम्मी शाम की पूजा कर रही है। ये हम लोग हमेशा ही करते हैं, सुबह और शाम को हम लोगों को पूजा करना ही पड़ता है, ये नियम है। तो
फ्रेंड्स, अभी इवनिंग हो रही है और मैं इवनिंग का जो काम है वो सब कर रही हूँ। जैसे थोड़ा झाड़ू लगा देते हैं हम लोग इवनिंग पे, झाड़ू लगाना, और फिर थोड़ा कुछ घर जो बिखर जाता है ना सुबह की सफाई के बाद या फिर सुबह के काम के बाद, वो सब कुछ थोड़ा ठीक कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं बैठ के ना जो कुछ भी कपड़े धुले हैं उन सब कपड़ों को हम ठीक करके इधर पे लगा देंगे। ये इसको हम लोग आलना बोलते हैं। इधर पे जो धुला हुआ कपड़ा होता है ना, रेगुलर यूज़ जो हम लोग करते हैं, तो वो सब कपड़ा हम लोग इस पे टांग के रख देते हैं। आजकल ये किसी के घर में नहीं मिलता है, बहुत पुराना है ये। और ज़्यादातर ये बंगाली लोगों का घर में ही ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं कुछ कपड़ा फोल्ड करूँगी, जो जो कपड़ा जहाँ का है वो सब डाल दूँगी, और जो धुला हुआ है जो इसमें टांगने का है वो भी टांग दूँगी अभी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो आंवला था ये 3 दिन का धूप से ऐसा हो गया है, इसको और एक धूप लगने से ये पूरा ठीक हो जाएगा। और ये ऐसा कुछ दिख रहा है, आधा तो मैंने फिनिश ही कर दिया है, कुछ तो मैंने खा लिया है क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे ऐसा चटपटा चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कुछ खा लिया है। और सूखते सूखते मैंने अब हाफ फिनिश कर दिया है, और हाफ जो था वो सूख के कमते हो गया है। तो ये थी इसका, अभी इसको ढक के रख देते हैं। रोज़ मैं ये इधर ही रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैं एक भुट्टा लिया है और भुट्टे को जला के अभी मैं खाऊंगी चाय के साथ। अभी मैंने भुट्टा सेक लिया है पूरा, और अभी मम्मी और मैं चाय पी के थोड़ा टीवी एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आई है तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपके साथ और एक नए व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।